भारत का साउथ अफ्रीका दौरा अपने दो पड़ाव पार कर चुका है। T20 हो चुका, ODI हो चुका, अब बारी है टेस्ट मुकाबलों की, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि टेस्ट सीरीज की शुरुआत कब होगी, भारतीय टीम जो है उसका स्क्वाड क्या है, और साथ ही इसके अलावा जानकारी आपको बताएंगे कि मुकाबले कब कब खेले जाएंगे और साथ ही कहां पर आपको लाइव देखने को मिलेगा, क्योंकि समय की अगर बात कर ली जाए तो थोड़ा बदला हुआ समय यहाँ पर रहेगा। यानी कि बात करते हैं, अब सीधे आ जाते हैं कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम पर, जिन पर किन किन खिलाड़ियों को मौका है और कौन कौन से खिलाड़ी पहले मुकाबले में खेलेंगे, इस पर मैं आपके कमेंट के जरिए राय जानूंगा। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि भारत का स्क्वाड क्या रहने वाला है इस पूरे टेस्ट सीरीज के दौरान। भारत के टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, जो पहले ODI के बाद रिलीज कर दिए गए थे ताकि वो तैयारी बेहतर कर पाए। इसके अलावा अगर आप देखें KL राहुल विकेट कीपर का रोल इनको मिला है यहाँ पर। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन, इसके अलावा जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, और फिर अगर आप देखें मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह जो वाइस कैप्टन रहेंगे, इसके अलावा अगर आप देखें प्रसिद्ध कृष्णा और फिर KS भरत, जिनको ईशान किशन की जगह इस टीम में शामिल किया गया है। तो ये है भारत की टेस्ट टीम। अब आ जाते हैं कि आखिरकार जो शेड्यूल है यानी कि मुकाबले कब कब खेले जाएंगे उसकी अगर बात करें तो पहला टेस्ट मुकाबला 26 तारीख से लेकर 30 दिसंबर के बीच में खेला जाएगा, सेंचुरियन में मुकाबला होगा और दोपहर 1:30 बजे से इस मुकाबले को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें दूसरा टेस्ट मुकाबला 3 से 7 जनवरी के बीच में खेला जाएगा, यानी कि अगले साल होगा, और फिर कैप टाउन में ये मुकाबला होगा, समय जो रहेगा वो 1:30 बजे का ही होगा। ये हो गई बात शेड्यूल की। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस मुकाबलों को आप देखेंगे तो देखेंगे कहाँ, क्योंकि टीवी और ऐप आजकल दोनों अलग अलग जगह हो जाती है, लेकिन यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करें टीवी पर तो मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स पर आएंगे, और अगर बात कर ली जाए मोबाइल पर देखने की यानी कि ऐप पर देखने की तो इन मुकाबलों को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो ये है पूरा अपडेट भारत और अफ्रीका सीरीज को लेकर, पूरी हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, साथ ही आप लोग कमेंट करके पहले टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 को लेकर अपना जवाब दें कि आपके हिसाब से पहले मुकाबले में कौन सी प्लेइंग 11 होने वाली है। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।